ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर फैंस को आई ऋषभ पंत की याद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ईशान किशन ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा मुकाबला खेला गया, यानी दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, उसमें उन्होंने कहर ढा दिया था। 31 रन उन्होंने बनाए थे 18 गेंदों का सामना करते हुए। और आप जानते हैं कि ईशान किशन को ज़्यादा मौके इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत अभी टीम में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ ईशान किशन ऋषभ पंत के एक एग्जैक्ट रेप्लिका भी माने जाते हैं क्योंकि ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंडर थे और ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडर है। साथ ही साथ अभी ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर है तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास ईशान किशन का ही बचता है कि जो विकेटों के पीछे भी कमाल करके दिखाए, साथ ही साथ अग्रेसिव बल्लेबाजी जैसे ऋषभ पंत को पसंद थी उस तरीके की बल्लेबाजी भी करके दिखाए। अब हुआ यूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा मुकाबला हुआ, दूसरा ओडीआई मुकाबला हुआ, उसमें ईशान किशन की जो बल्लेबाजी थी उसको देखकर फैंस को थोड़ी थोड़ी ऋषभ पंत की याद आने लगी क्योंकि आखिरी के कुछ ओवर्स में ईशान किशन आए थे सूर्यकुमार यादव के साथ। उस टाइम पे ईशान किशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव खेल चुके थे। अपनी इस पारी में उन्होंने दो छक्के लगाए। छोटी पारी थी उनकी बट एक अच्छी खासी पारी थी जहां पे एक तरफ सूर्यकुमार यादव की पारी हाईलाइट हुई जा रही थी क्योंकि बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था आखिरी के 10 ओवर्स में। वहीं ईशान किशन की भी तारीफ की जा रही थी क्योंकि उन्होंने छोटा लेकिन अच्छा स्कोर बनाया था। लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेले थे और जिस तरीके से पंत खेलते हैं वैसे ही झलक ईशान किशन में भी दिखी। इवन कुछ उन्होंने शॉट्स ऐसे भी लगाए थे जिसको देखकर लग रहा था कि हू बहू ऋषभ पंत की आत्मा इनके अंदर आ गई है और वो इनसे ये चीजें करवा रही है। आपको याद होगा कि अभी जब वेस्टइंडीज का दौरा हुआ था उस टाइम पे ईशान किशन ने कहा था कि भाई ऋषभ पंत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एनसीए में जब मैं उनके साथ था तो उन्होंने मुझे अपना बल्ला भी विन दिया था कि आप जाइए और इससे छक्के चौके लगाए। और उस पारी में ईशान किशन का 50 आया था यानी अर्धशतक ईशान ने लगाया था। तो यही चीज़ है, ऋषभ पंत और ईशान का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बॉन्ड है, सिर्फ फील्ड के अंदर नहीं बल्कि फील्ड के बाहर भी। और अभी रेप्लिका जो ऋषभ पंत का एग्जैक्ट रेप्लिका है वो ईशान किशन को ही माना जा रहा है। ठीक है, केएल राहुल है बट ईशान किशन लेफ्ट हैंडर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, साथ ही साथ विकेट कीपर बल्लेबाज, तो उनको इसीलिए एकदम क्लोजेस्ट रेप्लिका माना जा रहा है ऋषभ पंत का। कमेंट्स करके बताइए क्या आपको भी ऋषभ पंत की याद आई जब ईशान किशन ने छक्के और चौके लगाने शुरू कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऋषभ पंत को देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए हमको तो याद आई। क्या आपको भी याद आई? कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर बताइए।